अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आपने आगे W एग्जाम दी, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम को पास किया, बहुत अच्छे से आपने लिखा, उसको लर्न किया और आपने एग्जाम पास की। आप UKG से पास होके क्लास वन में आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करती हूँ कि आप KG से पास होके अच्छे मार्क्स से आप क्लास वन में आ गए। बच्चों, आज मैं आपको अपने बारे में और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ आपको, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। सबसे पहले बच्चों, आपका क्लास वन में वेलकम करती हूँ, वेलकम टू क्लास वन। और मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, वैसे तो अब मैं आपको मेरा परिचय दे रही हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम सुतरिया फरीदा, मिस फरीदा है और मैं आपको फर्स्ट में हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, वैसे आप UKG से हिंदी पढ़कर आए हुए, UKG में आपने हिंदी में जो स्वर होता है, वर्णमाला में जो स्वर होता है, वो स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया। फिर से बच्चों, हम क्लास वन में वही अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास करने से पहले मैं आपको क्लास फर्स्ट की जो टेक्स्ट बुक है, हिंदी टेक्स्ट बुक है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। इसके बाद हमारी जो हिंदी CW होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों, ये क्लास वन की हिंदी बुक है, रिमझिम वन। यहाँ बच्चों लिखा है, क्या लिखा है? रिमझिम वन पहली कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं बच्चों, उसको हिंदी में पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ये क्लास वन के लिए बच्चों, ये क्लास वन के लिए हिंदी की बुक है। आप उनको देख सकते हो, बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हो। ये बुक आपको भी मिल गई होगी, आपके पास भी होगी। बच्चों, ये जो बुक है, ये बुक में यहाँ सबसे पहले दिया गया है, यह किताब खाली जगह की है, यह किताब खाली जगह की। बच्चों, यह किताब हिंदी की है तो हिंदी भी लिख सकते हो, या अपना नाम जो है, आपका जो नाम है, वो आपका नाम भी यहाँ लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चों, यहाँ का जो लेसन दिए हुए हैं, यहाँ हमें हमको लेसन दिए हुए हैं, तो ये जो लेसन है बच्चों, ये लेसन भी हमें पूरे साल पढ़ना है, यानी पूरे साल हमें ये जो बुक है, ये बुक का हमें अभ्यास करना है। लेकिन ये बुक का अभ्यास करने से पहले, जैसे आपने UKG में स्वर व्यंजन पढ़ा था, तो उसका हम फिर से रिविजन करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अमात्रिक शब्द सिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम मात्राएं सीखेंगे, और मात्रा के बाद ये जो बुक में लेसन दिए गए हैं, वो लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये बुक के लेसन हमें अभी नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हमें हिंदी का जो बेसिक है, वो बेसिक का हमें अभ्यास करना है, क्योंकि बच्चों हमने UKG में स्वर और व्यंजन ही पढ़ा है, उसके आगे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें जो हिंदी बेसिक है, वो हिंदी बेसिक का हम ज्ञान लेंगे, उनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर तो उसके बाद आगे जो भी आगे जैसे जैसे समय जाएगा, वैसे मैं आपको टेक्स्ट बुक के जो भी लेसन है, वो लेसन आपको मैं पढ़ाऊंगी। अब बच्चों, CW के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, ये CW बुक है, ये CW बुक आपके पास भी होगी। तो बच्चों, हमें ये CW बुक पूरी साल चलाना है, तो उसको अच्छे से कवर करना है, और ऐसी आपको लाइन वाली बुक मिलेगी। बच्चों, ऐसी हमारी हिंदी की CW रहेगी। मैडम जैसे जैसे आपको लेसन पढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपको पाठ कराएंगे, जो भी आपको कराएंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखना है। क्या करना है आपको? लिखना है। पर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो बुक है, ये बुक में हमें लिखना, यहाँ जो रेड लाइन जैसा दिखाई देता है आपको, या पिंक लाइन जैसा दिखाई देता है, वहाँ हम टाइटल लगाएंगे, यहाँ हम डेट, जिसको हिंदी में दिनांक कहा जाता है, वो जैसे जैसे
आपको PDF भेजी जाएगी, आपको लिखने के लिए जो भी भेजा जाएगा आपको CW वर्क में बहुत अच्छे से लिखना है। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ जो दो लाइन के बीच में जहाँ हमें ज़्यादा गैप दिखाई देती है, यहाँ हमें ज़्यादा गैप दिखाई देती है वहीं पे हमें लिखना है। बच्चों हमें क्या करना है, ये जो लाइन है छोटी स्पेस है वो छोटी वाली स्पेस की जो लाइन है उसमें हमें नहीं लिखना है। बच्चों यहाँ जो बड़ी लाइन भी है, बड़ी गैप है, तो वो लाइन के बीच में हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों ये हमारी CW बुक रहेगी, वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाती हूँ कि आप कैसे हिंदी की बुक में लिखोगे। बच्चों हमें लिखना हो, सबसे पहले हमें कुछ भी लिखना होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, लाइन को टच, अगर इंग्लिश होता है तो नीचे वाली लाइन को टच करके हम लिखते हैं। अगर हिंदी सब्जेक्ट है, वैसे भी आप UKG में पढ़कर आए हो, तो ये जो हिंदी सब्जेक्ट है वो हिंदी सब्जेक्ट को ये फोर लाइन वाली है, यहाँ आपको फोर लाइन मिले। तो सबसे बड़ा जो गैप है जहाँ ज़्यादा हमें स्पेस दिखाई देती है बच्चों हमें वहीं पे लिखना है। फिर से हम वर्णमाला में स्वर का अभ्यास करके हैं। स्वर में आपको मैं अ आ ई और ई चार ही वर्ण आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे लिखना है। फिर से हम उसका रिवीजन करके फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अपनी जो CW बुक है वो CW बुक में हमें कैसे लिखना है, हम कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो गैप है वो गैप वाली लाइन में हमें लिखना है। मैं आपको पहले बता और लिखना है, स्वर में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, अ क्या होता है, अ होता है। तो अगर हमें अ लिखना है तो इंग्लिश में हम जैसे बच्चों सी लिखते हैं, पता है आपको कि हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो ये जो सी लिखते हैं ऐसा ही उल्टा सी हमें यहाँ लिखना है, क्या करना है बच्चों, उल्टा सी लिखना है, उसको टच करके हमें दूसरा ऐसे सी जैसा लिखना है। फिर हमें क्या करना है, उसको बीच में लाइन लगा देना है, बीच में हमें छोटी सी लाइन ड्रो करनी है। फिर उसके बाद हमें जिसको हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं बच्चों, स्टैंडिंग लाइन कहते हैं जो ये डंडा है वो डंडा उसके साथ लगाना है, स्टैंडिंग लाइन उसके साथ लगानी है। और फिर उसके ऊपर क्या करना है, हमें सीधो रेखा लगाना है। तो बच्चों ये क्या हुआ, क्या बन गया, वेरी गुड। इसी तरह बच्चों आपको भी लिखना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि हम ये जो हिंदी है वो हिंदी हम कैसे लिखेंगे अपनी बुक या टेक्स्ट बुक में या CW में हम कभी भी लिखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी वर्ण लिखेंगे, उसके ऊपर हमें लाइन लगानी है जिसको सिंधु रेखा कहा जाता है। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, लाइन लगानी रहेगी, तब जाके ये जो वर्ण है वो वर्ण सही होगा। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ बच्चों, यहाँ ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसीलिए मैंने टी लाइन का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ मैंने जो लिखा है तो वो क्या लिखा है बच्चों, टी लाइन का मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ आपको अगर CW में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। ये जो बड़ी वाली लाइन है यानी जहाँ हमको ज़्यादा गैप दिखाई देती है वहीं हमें क्या करना है बच्चों, अ लिखना है, क्या लिखेंगे, अ। तो मैंने उल्टा सी लिखा फिर उसके साथ फिर से उल्टा सी लिखा। तो बच्चों ये क्या हो गया, इंग्लिश में जिसको हम ट्री कहते हैं, है ना, ट्री कहते हैं, तो इसी तरह ये बन गए। फिर उसमें हमें क्या करना है, बीच में छोटी सी लाइन लगानी है, जिसमें छोटी सी लाइन लगानी है, फिर उसको उसके साथ फिर स्टैंडिंग लाइन लगानी है, जो लाइन है जिसको हम डंडा कहते हैं वो लगाना है, और फिर उसके ऊपर छोटी सी लाइन बनानी है। तो बच्चों ये क्या हो गया, और ये क्या हुआ, और देखो इसी तरह हमें CW में लिखना है बच्चों, इसी तरह हमें CW में लिखना है कि जहाँ ज़्यादा गैप भी गई हो, ज़्यादा स्पेस या ज़्यादा जगह जिसको हम कहते वहीं पर हमें ये जो वर्ण है, हिंदी जो वर्ण है वो वर्ण लिखने होंगे। बच्चों इसी तरह हम और लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अ। अब मैं आपको आ बताऊँ, आ कैसे होता है बच्चों, उसके साथ एक और स्टैंडिंग लाइन बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आ।
तो हमने क्या सीखा और फिर उसके बाद आ। अब मैं आपको ई सिखा रही हूँ बच्चों, ई में आपको यहाँ सिखा रही हूँ। देखो ये बड़ी वाली लाइन है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो लाइन है वो लाइन को टच करेंगे। टच करने के बाद जैसे हम एस जैसा बनाते हैं इसी तरह बनाएंगे और फिर बीच में थोड़ी वहां से जो एस खत्म होता है वहीं से क्या करेंगे बच्चों, थोड़ी ही लाइन नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर लाइन लगाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, ई क्या होता है, ई हो गया। क्या हो गया, ई। फिर से हम देखते हैं कैसे होगा ये, ई हो गया। क्या हो गया बच्चों, ई। अब ई वो तो जो बड़ी वाली ई है तो वो लिखेंगे तो बच्चों क्या करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बड़ी वाली। तो बच्चों इसी तरह हम अ आ ई और ई लिख सकते हैं। बच्चों आपको बहुत अच्छे से अपने सी डब्ल्यू वर्क में या जब भी आपको कुछ भी लिखने के लिए दिया जाता है तो बच्चों आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको मैंने जो भी जगह बताई जो भी लाइन बताई वो लाइन में आपको बहुत अच्छे से लिखना है। सबसे पहले बच्चों हम ये स्वर का भी फिर से अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बताया कि सी डब्ल्यू में कैसे लिखना है, सी डब्ल्यू में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि अ लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार हम देख लेंगे बच्चों, अ लिखना है ये जो ज़्यादा स्पेस वाली लाइन है वो लाइन में हम क्या करेंगे बच्चों, ट्री जैसा लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सी है इंग्लिश का जो सी होता है उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये दोनों सी को उल्टा सी को मिलाएंगे, फिर बाद में थोड़ा डंडी लगाएंगे, फिर जो बड़ा बड़ा डंडा आता है वो लगाएंगे और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अ होगा। क्या होगा बच्चों, अ होगा। फिर इसी तरह हमें क्या करना है, आ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, आ। इसी तरह फिर से हम अ लिखेंगे और अ के साथ दूसरी और लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी जो स्टैंडिंग लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया, आ हो गया। और उसके ऊपर हमें क्या करना है, लाइन लगानी है, जिसको शिरो रेखा कहा जाता है वो लगानी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आ। अब लिखेंगे ई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ई लिखना है, एस जैसा जो होता है इसी तरह हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई। वैसे भी आप के जी में पढ़कर आए हो, के जी में आप पढ़कर आए हो, तो इसी तरह हम इसको ई लिखेंगे और इसके बाद जो बड़ा वाला ई आता है वो लिखेंगे। तो इसी तरह आप अपनी नोटबुक में सी डब्ल्यू वर्क में जब भी आपको कुछ भी वर्क या पीडीएफ दी जाए आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आई होप बच्चों आपको मैंने ये जो स्वर के बारे में हम कैसे लिखेंगे, सी डब्ल्यू में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताया, तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक कौन सी हमारी टेक्स्ट बुक होगी, सी डब्ल्यू कैसी होगी, हमें कैसे लिखना है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। लेकिन बच्चों टेक्स्ट बुक का अभ्यास करने से पहले हिंदी का जो भी बेसिक है, स्वर व्यंजन अमात्मिक शब्द मात्राएं, तो उनका अभ्यास करेंगे, फिर तो उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक के जो जो भी लेसन है उसका अभ्यास करेंगे। तो आई होप बच्चों आगे के वीडियो जब मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूंगी तो उसमें हम सबसे पहले स्वर का अभ्यास करेंगे, मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगी। स्वर यानी अ से लेकर जो अ तक होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर। तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, मैं आपको बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन करूंगी और आपको कैसे लिखना है वो भी सिखाऊंगी। तो आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हमने जो भी जानकारी प्राप्त की वो जानकारी प्राप्त की टेक्स्ट बुक के बारे में, सी डब्ल्यू के बारे में। तो बच्चों जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाएगा बहुत सुंदर अक्षरों से, अच्छे अक्षरों से लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।